भाई साहब वो भाई साहब अरे इधर आओ ना यार, दो बॉटल मिनरल वाटर का देना। दो बॉटल उधर आलात मिनरल वाटर, वो तुम कैसे बोलने का दे ये मिनरल वाटर क्या आ रहा है, ये पकड़ो पकड़ो इसको डालो उठाओ चले जाओ। अजीब आदमी है यार भैया, बड़ा अजीब है ना। बहुत अजीब आदमी है यार। नहीं 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 अजीब बात है बाबा, अजीब बात है कि मेरे जैसे इंटरनेशनल लेवल का फोटोग्राफर यहाँ ये भंगार नौकरी में अटका हुआ है। क्या करें क्या करें, अरे शेर को भी मजबूरी में घास खाना पड़ता है दोस्त। हम आपकी बात नहीं कर रहे थे शेर भैया, पानी की बात कर रहे थे। भगवान हमको मुफ्त में पानी देता है। वो तो देता है और हम उस पानी को बेच देते हैं, गलत बात है ना। बिल्कुल नहीं बालू, बिल्कुल नहीं। जो चीज आसानी से मिलती है ना उसकी इंसान कद्र ही नहीं करता। तो इस आदमी को इस पानी का महत्व अब खूब पहचान में आएगा। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि उस आदमी ने इस पानी की कीमत चुकाई है। तूने वो नहीं सुना? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। वाह 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 वाह, आपकी ये बात सुनकर हम शर्म से बिल्कुल पानी पानी हो गए भैया। आप महान, आप महाज्ञानी, अपने पाव दीजिए, हाथ बना छू ले भैया। अब मुझे ज्यादा पानी पे मत चढ़ा, एक काम कर मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आए। अरे भैया आप बड़ों बड़ों को पानी पिलाते हैं, हम आपको पानी नहीं पिला सकते, अभी पिलाते हैं। रुकिए हाँ रुकिए, कहते भाई है। भाई कहाँ जा रहा है? भैया को पानी पिलाने। कोई जरूरत नहीं उसे पानी पिलाने की, जितनी बार पानी पिएगा उतनी बार सुसु करेगा। ये ले। मिसेस देसाई, आप मुझे आधा ग्लास पानी पीने से रोकेंगी? कोई गलत काम कर रही हूँ? मालूम नहीं मुंबई में वाटर कट होने वाला है। क्या मुंबई में वाटर कट होता है? अरे ये मुंबई है बालू मेरी जान, यहाँ ना जेब से लेके वाटर तक सब कुछ कट होता है यार। देख वैसे तो बॉम्बे तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन वक्त आने पर इंसान को डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी तक नहीं मिलता। हाँ इसीलिए मैं कह रही हूँ पानी बचा के रखना, कभी तुम लोगों को डूबना होगा तो चुल्लू भर पानी तो मिल जाएगा। अब आप लोग काम करेंगे नहीं तो वाटर कट से पहले मैं आप लोगों की सैलरी काट दूंगी। हम कोई भी काम कल पर तो छोड़ते ही नहीं ना अंकल। अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़े हुए की बहुरी करेगा कब। आंटी जी ने हमको कहा कि मुंबई में वाटर कट होने वाला है तो हमने ये सारे ड्रम खरीद के भर डाले आज। अरे वाह, बीन बादल बरसात, तुमने तो इस घर को जल महल बना दिया है। मैंने तो सोचा कि तुम इस ड्रम बाल्टी का धंधा शुरू करने जा रहे हो। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, ऐसा काय करेंगे हम? अरे आपकी वाइफ की दुकान संभालते हैं हम। अरे सच पूछो ना तो उस ड्रम की नौकरी करने से इस ड्रम का धंधा करना ज्यादा अच्छा है। कैसी बात कर रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? अपनी वाइफ को ड्रम कह रहे हैं आप? किसी के साथ शादी करके 30 साल गुजार, फिर तू भी ऐसा ही बोलेगा? ऐसा कभी नहीं बोलेंगे अंकल। बोलेगा छोकरा बोलेगा, वो क्या है शादी में प्यार भी वोटर सप्लाई की तरह है, पता भी नहीं चलेगा कब वोटर कट अनाउंस हुआ और कब सारे नल सूख गए। चलता हूँ। हाँ ये क्या बोल के गए बालू, इससे पहले कि तेरा नल सूख जाए घर भर के बर्तन भर डाल। चल 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 चला चल। क्या हुआ? पालू, अबे मैं कछुआ हूँ, मेंढक हूँ, घोंगा हूँ, केकड़ा हूँ, और कोई स्तनधारी जलचर प्राणी हूँ? ये क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट? मतलब आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? तुझे क्या लगता है? दोनों बातें हो सकती हैं। अगर आप बता रहे हैं तो आपको पता होने चाहिए कि आप कहाँ हैं, और अगर आप पूछ रहे हैं भैया तो भैया आप हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए, हम डिसाइड करके बताते हैं कि आप कहाँ हैं। बाप मैं जो हूँ सो हूँ, लेकिन तू एक ऐसी मुसीबत है जिससे ना उगलते बनता है ना निगलते। अबे ये घर है या तालाब? आपको क्या लगता है? दोनों बातें हो सकती हैं। अगर ये तालाब है तो मैं यहाँ क्यों हूँ, और अगर ये घर है तो ये बर्तन शर्तन ग्लास स्लास ड्रम श्रम यहाँ क्या कर रहे हैं? भैया इस ड्रम श्रम ग्लास स्लास बर्तन शर्तन में हमने पानी भर के रखा है ना। इतने से घर में इतना सारा पानी क्यों? आप ही ने तो कहा था भैया कि वैसे बंबई तीन तरफ से समुंदर से घिरा है,
लेकिन जरूरत पड़ने पर चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलता डूब मरने के लिए। और तूने डूब के मरने का इंतजाम करके रख लिया। बेवकूफ, तेरे मेरे लिए सिर्फ दो चुल्लू काफी था, इतने में तो सारी सोसाइटी डूब के मर सकती है। तो अच्छा ना भैया, एक एक चुल्लू सबको बांट देंगे। अरे इस बहाने थोड़ी समाज सेवा तो हो जाएगी। नालायक पाजी, उल्लू के पत्ते गधे। ये आप हमें कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये मैं अपने आप से कह रहा हूँ। फिर ठीक है भैया। जब मुझे पता था कि मेरे घर में इतना खतरनाक और खिचके किस्म का जानवर रहता है, तो मैंने रीटा को यहाँ ब्रेकफास्ट पे बुलाया ही क्यों यार। रीटा कौन है भैया? है मेरी नई गर्लफ्रेंड, जॉगिंग पे मिली थी, उसको ब्रेकफास्ट पे बुलाया है मैंने। अब उसको बिठाऊंगा कहाँ, तेरी गोद में? वो तो उसके साइज पे डिपेंड करता है। क्या साइज है? किसकी? रीटा की। बताऊंगा बताऊंगा, पहले रीटा का इंतजाम कर लूं, फिर तुझे भी बताऊंगा। कर लीजिए। फोन कर, फोन कर, फोन कर, फोन कर, फोन कर, रखे 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 रखे, संभाल के रखे भैया। इतना पानी इधर उधर गिर रहा था, इसलिए ये संभाल। लगा 861 861 4444 4। डूब रहा है। अब बज रहा है। रीटा, हाय हाय, मैं हैरी बोल रहा हूँ। वो क्या है ना कि मेरे घर में जरा बाढ़ आ गई है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अपनी पहली डेट पानी में डूब जाए। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि ब्रेकफास्ट के लिए मेरे घर के बजाय अगर हम लोग वाटर लिली रेस्टोरेंट में मिले तो। क्या कहा हुआ भैया? उसके कान में पानी घुस गया बे। सनी सनी सनी, सॉरी सनी, गजब हो गया। कहाँ? बाथरूम में। क्या, तू बाथरूम में गजब करने गई थी? करने तो मैं कुछ और ही गई थी, लेकिन हमारे बाथरूम में एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा। और हमारे घर में स्टोर किया हुआ एक लोटा पानी भी नहीं है। हाँ, वही तो। तेरी तू जान, मैं जा रही हूँ नहाने बालू के घर। क्या, बालू का नल चालू है? नहीं, उसने पानी स्टोर करके रखा हुआ है। और वो तुझे उसका पानी यूज करने देगा? औरत हर मर्द की कमजोरी होती है, बस जरा सा मुस्कुरा दो, फिर देखो मर्द अपने घर का नल क्या, पूरा बाथरूम तुम्हारे हवाले कर देगा। मैं तो जा रही हूँ। बाय, सी यू। बालू मेरे पाप, मैं अंदर जा रहा हूँ तौलिया लेने और कपड़े लेने, बाहर निकलूंगा बाथरूम में जाऊंगा नहाऊंगा, तब तक बाथरूम के सारे फालतू बर्तन खाली कर दे और ये सारा पानी पड़ोसियों में बांट दे। पानी खत्म होना चाहिए, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अजीब बात है, एक बारी में दो दो काम बोल गए भैया। समझ नहीं आ रहा पहले का करे, ये बर्तन खाली करे या पानी खाली करे। हाय बालू, थैंक यू सो मच। बालू तुम कैसे हो? आप कैसी हैं सैंडी जी? अगर तुम ठीक हो ना तो समझो कि मैं भी ठीक हूँ। मुस्कुराती भी कितनी अच्छी लगती है सैंडी जी। सच? बालू, क्या तुम चाहोगे कि मैं यूं ही मुस्कुराती रहूं? क्यों नहीं चाहेंगे, जरूर चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे? तो मेरी मदद करो ना प्लीज। क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे ना, कहिए काम मदद करें। मैं नहाना चाहती हूँ। नहलाएंगे, जरूर नहलाएंगे। नहीं, 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 नहीं। नहा तो मैं खुद ही लूंगी। वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में एक बूंद पानी नहीं है। अरे रे 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 रे। मैं तुम्हारे बाथरूम में तुम्हारे पानी से नहाना चाहती हूँ। तुम इनकार तो नहीं करोगे ना बालू? कैसे करेंगे इनकार, कैसे करेंगे बताइए। आप जाइए ना नहाइए, इससे भैया की कहीं दोनों बातें भी ठीक हो जाएंगी। हाँ, बर्तन भी खाली हो जाएंगे और पानी भी पड़ोसी में बढ़ जाएगा, बाथरूम वहां है। थैंक यू बालू। सुनिए सुनिए, तो अगर पीठ में साबुन मलना होना तो याद करिएगा। हाँ,
कहाँ जा रहे भैया? बाथरूम जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि वो ही है मेरा वाटर लू। चल हाँ। भैया 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 आप अभी नहाने नहीं जा सकते। मुझे अभी नहाना है, मेरी रीटा के साथ डीटा है, डेट है। चल हाँ। भैया आप एक काम करिए, आप यहाँ नहा लो हॉल में। दिमाग खराब हो गया है तेरा, हॉल में कोई नहाता है? चल हाँ। क्या बात कर रहे हैं भैया, अरे जौनपुर में तो मदन लाल जी रोज अपने घर के सामने चबूतरे पर नहा लेते हैं। ये जौनपुर है? नहीं, मैं मदन लाल हूँ ना। सामने चबूतरा दिखता है? नहीं। तो फिर हट। भैया 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 अंदर सैंडी जी नहा रही है। अरे यार समझे वाली बात है, अभी तू भी क्या कर। क्या बोला तू? भैया उनके घर में पानी नहीं था इसलिए इसलिए मैंने अपना बाथरूम उनके हवाले कर दिया भैया। अबे तू क्यों मेरी किस्मत के टायर पे ब्रेक की तरह चिपका है बे? हाँ अबे ये धर्मशाला है या हम्माम? नहीं नहीं समझा, पता मुझे। अब काहे नाराज हो रहे हैं भैया? आप ही ने तो कहा था कि सारे बर्तन खाली करो और पानी पड़ोसियों में बांट दो। ओह माय गॉड। हाय हैरी। हाय। ये क्या किया तुमने? मैंने नहीं किया, बालू ने किया है। डबल जी। ड्रमिंग, वाटरिंग, सिटिंग, वेटिंग। मुझे लगा कि घर जाने दो। हरी, पानी तो कितना ढेर सारा इकट्ठा किया है तुमने। तो माचू, ऐसी रुके बातें करोगे? नाराज हो मुझसे? मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? तुम नहीं जानती मेरे दिल दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह है। और घर में? घर भी तुम्हारा ही है। बाथरूम? बाथरूम भी तुम्हारा ही है। एक मिनट, तुम क्या कहना चाहती हो? कहना नहीं, नहाना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए मना नहीं है, लेकिन इस वक्त वो लंबी बहाने मत बनाओ, सीधे इनकार कर दो ना, ताकि उम्मीदों के सारे चिराग यहीं बुझ जाएं। मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ प्रिय। सच, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बस मैं दो मिनट में नहा के आई। थैंक यू। मिनी, मैंने तुम्हारे लिए बाथरूम खाली कर दिया। थैंक यू सैंडी। जल्दी जा। हाय हैरी। बालू इज सच अ डार्लिंग। इसने आज पानी स्टोर नहीं किया था ना, तो हम सब एक एक बूंद को तरस जाते। थैंक्स। इधर इधर इधर। थैंक्स बालू। बाय हैरी। आराम से आराम से। तबीयत हरी कर गई भैया। ओह माय गॉड, सब तेरी वजह से हुआ है। ये आखिरी वाला तो आपकी वजह से हुआ भैया। आप ही ने तो मिनी जी को अपने दिल में, अपने बाथरूम में, अपने घर में, सब जगह जगह दे डाली। अब ना तू ये सारा पानी इकट्ठा करता, ना अपना घर मेरे लिए वाटर लू बनता। अब वो रीटा वहां पे मेरा इंतजार कर रही है, उसे क्या जवाब दूंगा मैं? अब मैं कहां नहाऊंगा, पब्लिक टॉयलेट में? भैया छोटे पैसे है कि हम दे? भैया एक ही रे है? अरे भाई भाई झगड़ा करता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। करता है? नहीं नहीं। ये तो हमार रोलर पाइप का चुरा के लगा है वो हमारा चूल का सेटिंग के लिए। ये तो आपके चूल की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? उड़ी रे, हमार जीवन तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रे। आज हमारे घर में देवी माँ का पूजा है माँ, और हमारे घर में नहाने के लिए एक बूंद पानी नहीं हुआ। जगत बाबू आप यहाँ क्यों आए? अरे होड़ी, हम तो नहाने के लिए आया है। ये देखो ब्रश भी लेके आया है, हम मंजर भी करेगा बेचारा अंदर, और देखो लोटा, हाँ वो छोटा बड़ा काम सब इधर करेगा। सैंडी हमको बोला कि तुम सब इधर नहाने के लिए दे रहा है। हमने तो टर्किश बाथ खोल के ही रखा है ना। जाइए जाइए। अच्छा, जहाँ से आए वहीं से वापस जाइए, आपको नहाने वाले मिलेगा नहीं, समझे ना? ईश की बोलचीश की बोलचीश। अरे उधर देवी माँ हमारा नहाने के लिए अपेक्षा करता है, वेट करता है। तो करने दो मैं वेट माँ को पूजा के लिए। भैया अरे आप देवी माँ को वेट कराएंगे? कराऊंगा, क्योंकि वहाँ रीटा देवी मेरा वेट कर रही है। रीटा देवी ज्यादा बड़ी है कि देवी माँ है? कहना क्या चाह रहा है? यही कहना चाह रहे हैं भैया कि जगत बाबू को जाने दीजिए। अरे मैं आपको नहीं नहाने दूंगा जगत बाबू। वाओ, व्हाट अ ग्रेट बात है यार। थैंक यू सो मच। बाय बालू।
एक्सक्यूज मी जगत बाबू। तुम छोकरे लोगों को नहाने के लिए देता है और हमको देवी माँ का पूजा के लिए नहाने के लिए मोर करता है? भैया ये पाप है। तो मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। भैया हम आपको पाप करने नहीं देंगे। जगत बाबू आप जाइए। अरे जाइए जगत बाबू, देवी माँ के लिए तो हम अपने बाप से लड़ सकते हैं। जाइए। मुझे लगता है यार रहना खतरे से खाली नहीं है। बालू मेरे बाप, मैं अंदर ये चेंज करने जा रहा हूं। अगर वो देवी माँ का भक्त नहा के बाहर आ जाए तो मुझे आवाज दे देना। मैं जरा गर्म पानी से नहाना चाहूंगा, है ना? मैं सुन हो जाऊंगा वरना प्रोसेस शुरू हो गया है। ये भी अजीब है। अरे इतनी बार पानी में बैठे हैं, इससे अच्छा तो अलग अलग अंग डाल के बैठते, कम से कम पूरे नहा तो गए होते अब तक। ऐसे में तो एक ही जगह बार बार धुल रही है। हाय, तुम पहुंच गए वॉटरली रेस्टोरेंट। अरे खिलाऊंगा ना। जगत बाबू निकल गए, मैं निकल रहा हूँ यार, बाय। हाँ, कर रहे कर रहे कर रहे। होड़ी होड़ी रे, की आनंद की आनंद की आनंद रे। खूब भालो करे हम चांग किया रे। और तुम्हारा पेस्ट हो खूब भालो रे, खूब भालो। अभी हम दो तीन दिन इसको इस्तेमाल करेगा, फिर तुमको लौटा देगा। और देखो अब एक बाल्टी हम ये पानी लेके जा रहा है माँ के लिए। माँ, अबे अच्छी माँ, माँ माँ तू इसको भेजा माँ। रुक, सारे बर्तन गिन के रखना, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तुम बर्तन धोते जाना, मैं कपड़े धोती जाऊंगी। चलो। आप कहाँ घुसी जा रही हैं मिसेस देसाई? बाथरूम में बर्तन और कपड़े धोने के लिए, क्यों? अरे लेकिन मिसेस देसाई, ये पानी तो बालू ने भरा है। तो आया तो मेरी टंकी से है ना, तेरे इतने पानी भरने से सबका नल सूख गया है। चलो जल्दी, क्या खड़े रह के देख रहे हो गोभी के पत्ते? अब समझ में आया मैं क्यों इसको ड्रम कहता हूँ। पड़ा मालूम पड़ा। अरे चलो बिना मुर्गी के अंडे चलो जल्दी। शैम्पू ये शावर ये साबुन की दुनिया, ये दुनिया अगर धुल भी जाए तो क्या है। घर में इतना पानी होते हुए भी मैं प्यासा हूँ। ए बालू बालू, अरे हमारा अपना बाथरूम खाली हुआ कि नहीं बालू? भैया क्या करता है यार तू भी, क्या है भैया? बाथरूम तो खाली हो गया भैया, मगर आपके नहाने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं बचा भैया। पीछे रखे थे, पीछे तो ना बाल्टी में ये तार गया, देखे तो टेलीग्राम होगा इसके। क्या है देखा? हेलो रीटा, रीटा वो मैं री टा टा टाटा हो गया। का बंटाधार काहे का बोली रीटा जी? चुल्लू भर पानी में डूब मरो, कोट अनकोट। मुझे क्या हुआ? अरे कसम से भैया, अभी घर में चुल्लू भर पानी भी नहीं है। एक चुल्लू पानी दे दो, एक चुल्लू, मुझे पानी चाहिए, एक चुल्लू, एक चुल्लू पानी।